जो है ना आपको दो तीन बातें बड़ी अहम है, ये सारी जरा आप लोग गौर से सुनिएगा। अल-क़ब्ज़ु फ़ी बैय़इ अमूलात, कह रहे हैं कि जो करेंसियां हैं इसके अंदर जो बात बार बार आ रही है कि कब्ज़ होना चाहिए या तक़ाबुज़ होना चाहिए, तो इससे मुराद और इसके क्या क्या अहकाम हैं, उसका जो पहला हुक्म है वो ये है जब इजाब कबूल हो जाए, अक्त हो जाए, ताखुद हो जाए इस पर अला बयात तो अब जरूरी हो जाएगा फौरन उसी मजलिस से आपके अंदर क्या जरूरी हो जाएगा मिन तस्लीम बकब्ज, तस्लीम बतसल्लुम, एक आदमी का देना और दूसरे का लेना, ठीक है, जमीयाल मबालिग दोनों तरफ के तमाम मबालिग तमाम पैसे, ये नहीं के कहता यार ऐसे करूं 10% में अभी देता हूँ बाकी जो ना बात 90% बात भैया, उसने कहा था भाई जो सामने वाला है उसने कहा था मैं ऐसे करता हूँ आपको डॉलर जो है वो थोड़ा जल्दी देता हूँ बाकी डॉलर बाद में दूंगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जब भी आप इससे एक्सचेंज कर रहे हो, जब भी इसके अंदर तबादला कर रहे हो, तो उस सूरत के अंदर क्या होना चाहिए, तकाबुस पूरा का पूरा मुकम्मल तौर पर उसी महीने से आपके अंदर मुकम्मल हो जाना चाहिए। वला यकफी बिजवाज मुतादरा बिल अमूलात कब्ज अहद अल बदलैन दून अल आखर वला कब्ज जुज़ अहद अल बदलैन फइन कब्ज बाद अल बदल सह फीमा तम कब्ज़हु दून अल बाकी। कह रहे जनाब इन करेंसियों की तिजारत में, चूंकि करेंसी क्या है, सोने चांदी के हुक्म में है, जैसे मैंने आपको पहले तफसील के साथ जिक्र किया था कि चूंकि ये सोने चांदी के हुक्म में है लिहाजा यहां पर काफी ना होगा अहदुल बदलैन पर कब्जा करना, किसी एक बदल पर कब्जा करना दो बदलों में से, यानी कि दो ज्यादा हो रही है दो करेंसियों की, डॉलर की और दिरहम की, डॉलर की और रुपए की, रियाल की और दिरहम की, रियाल की और डॉलर की, ठीक है। आप कह रहे हैं कि आप एक आदमी तो अभी कब्जा दे रहा है, दूसरा आदमी तो कब्जा नहीं दे रहा, अहदुल बदलैन पे कब्जा हो रहा है, दो साइडों में से एक पे कब्जा हो रहा है दूसरे पे नहीं हो रहा, तो ये नाजायज होगा, क्योंकि तकाबुल जरूरी है, तफाउल तकाबुल का मतलब क्या होता है कि दोनों साइडों से हो, ये नहीं क्या तब्ज बल्कि क्या कहा तकाबुस, आपको पता ही सर्फ के अहकाम है सर्फ मुराद सर्फ नहक, ठीक है ना।
कौन खाते थे, क्या खाते थे? और ये खाली ये कथाओं के साथ खाली और उनकी बात भी व्यस्त है। इसी तरीके से दो बदल में से किसी एक बदल के कोई एक जुज का कब्जा दिया जा रहा है, दो बदल के एक बदल में उसके भी किसी एक जुज को बदल दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पे एक तरफ 100 रियाल का कब्जा मामला हो रहा है या 360 रियाल का मामला हो रहा है $100 के साथ, ठीक है, तो कह रहे लेकिन मैं आपको 360 पूरे नहीं दे रहा, मैं आपको 250 दे रहा हूं, और 250 दे रहा हूं, तो एक जुस जो है एक बदल का जुस दे रहा है, या दोनों बदलों का भी फर्ज हो, वो कहते हैं मैं 50 दे रहा हूं। तो जितने में तकाबुस पाया जाएगा ना मुकम्मल मुकम्मल तौर पर, उस हद तक में बह सही होगी, बाकी के अंदर बह सही नहीं होगी। فإن قبض بعض البدل صح فيما تم قبضه دون الباقي، لہذا جتنے حد تک قبضہ کر لیا اتنے حد تک اس حد تک بیع صحیح ہوگی، اور جس پہ قبضہ پایا گیا نہ کہ باقی کے اندر، جس پہ قبضہ ہی نہیں پایا گیا تو چونکہ قبضے کی شرط نہیں پائی گئی تو باقی، البتہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ یہ تو وہی بات ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ دراصل हुक्म है करंसियों का, जो कि वो कहते हैं कि ये ज़हब और फिद्दा की तरह है, और ज़हब और फिद्दा किसी भी शक्ल में होती है, जौदत और वदादत का एतबार नहीं होगा, और ये जो करंसी ये समनियत है, लिहाजा ये जो इसके अंदर ख़ाबो फिक्र होती है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ये बड़ी अहम बात है, गौर सुने तो हमें समझने की बात है, एक जो रिबल फजल के अंदर एक उसूल है वो ये है कि अगर दोनों इल्लतें अल-क़द्र माल-जिंस पाई जाए तो उस सूरत के अंदर तफादुल भी जायज नहीं होता, नसिया भी जायज नहीं होता, लेकिन अगर एक इल्लत पाई जाए और एक इल्लत ना पाई जाए, कदर पाई जाए जिंस ना पाई जाए, जिंस पाई जाए कदर ना पाई जाए, तो तफाजुल जाहिर होता है नसीहा नाजाहिर होता है। मिसाल के तौर हम थोड़ी देर अभी हम इसे सोने चांदी जगह से निकल के एक अलग से मिसाल में आएंगे ताकि ज्यादा समझने में पहले आपको आसान। मिसाल के तौर पर एक तरफ फिदा है, ठीक है, और एक तरफ शाइर है, और अला मज़हबिल अहनाफ एक तरफ राइस यानी चावल है और एक तरफ फिंता यानी गंदम है, ठीक है ना, तो दोनों सूरतों में क्या पाया जा रहा है, एक चीज मुश्तरक है ना, वो क्या है, कदर पाई जा रही है, बदरी चीजें हैं, ठीक है ना, जब कदर पाई जा रही है तो अब लेकिन एक चीज नहीं पाई जाएगी, वो क्या है, जिन्स। तो अब क्या है, तफावुल जाहिर है। ये हो सकता है कि एक किलो हिता दो किलो शाइर या दो किलो राइस के बदले फरोख्त किया जाए, ये जाहिर हो जाए, है ना, लेकिन नसिया हराम, वो मैंने आपको बताया था उस दिन, क्यों, इसलिए कि वो क्या करेगा, वो कैलकुलेशन करेगा कि भाई अगर मैं हिंदा को हिंदा के साथ लेता और फिर इंटरेस्ट कमाता तो कितना करता, तो उसने उसी चीज को शाही के बदले कर दिया, तो फिर हो जाएगा, तो क्या हो गया, हो गया ना नाजायज, क्योंकि उसने दरअसल उसको एक गीला बना दिया इस तरीके से। अच्छा अब एक बात, ये आप ये सोचे कि यार ये तो फिर नाजायज हो, क्योंकि आप फिर तो कोई भी ट्रांजेक्शन हो कहीं भी आप जो है कैलकुलेशन वगैरह लगाए
लाइबोर वाली या काइबोर वाली, तो क्या था जाए, और क्योंकि कैलकुलेटर आपने बुलवा दिया तो वो रैली हो गई। क्योंकि अब फुकहाए किराम ने ये इल्लतें बयान कर दी, ये हर जगह नहीं होगी, ये हर जगह नहीं होगी जब तक के ये दो इल्लतें या इनमें से कोई एक ना पाई जाए। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, एक मिसाल है, एक आदमी एक हिंता की बै करता है, एक 10 किलो हिंता की गंदुम बै करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें 10 किलो हिंता बमुकाबला 10 किलो ले रहा हूं। वैसे ऐसा कम होता है, ये उसी वक्त होगा कि जब एक आदमी अभी दे रहा होगा और दूसरा आदमी बाद में दे रहा होगा, जैसे कर्जा में होता है, कभी मैं अभी कर्जा ले रहा हूँ, मुझे थोड़ा हिंता की जरूरत है, प्याला गेहूं दे दो रोटी बनाने, है ना, तो वो अपने प्रोसीजर का कर्जा लेकर आ जाता है, उधार भी ले आते हैं, तो उसको तो उस सूरत के अंदर देखा जाएगा कि अगर तो ये बै बकायदा बै, तो इसके अंदर रिबल फजल के अहकाम जारी हो जाएंगे, रिबल फजल के अहकाम जारी हो जाएंगे। और उस सूरत के अंदर असल में देखे बै के अंदर एक चीज जरूरी है, अगर बै मुअज्जल हो तो अजल शर्त है, और बल वफिल अजली मजीदिया, वफिल अजली मजीदिया, कुछ से कुछ फायदा है तो लिहाजा वो नजायज हो जाएगा। तो अब जो है ना वो उस तरह से नजायज हो गया, लेकिन अगर एक आदमी कहते हैं यार मैं तुमको कर दे रहा हूं, तो जाइए 10 किलो दे रहा हूं लेकिन मैं वापस ले लूंगा, वो क्यों जाइए, देखिए बै नहीं है, बै में और कर्ज में क्या फर्क है, कर्ज अल-अल-कुरूद ला तुअज्जल, अल-कुरूद ला तकून मुअज्जलतन, कर्ज जो है वो तो एक वॉलंटरी एक हिबा है, एक तरीके से उसने आपको इस्तेमाल के लिए दिया, लेकिन जब आपसे मांगेगा अजल तलब आपको अदा करना है, लेकिन मुअज्जल चीज जो है कबल अजल आप उससे नहीं मांग सकते, समझ रहे हैं आप, लिहाजा आप जो आपको दे रहे हो तो रोटी आप दे दीजिए, तो अच्छा है तो आप मिलेगा आपका जैसा, लेकिन यह है कि जब आपको मांगेंगे तो उसको देना भी लाजिम हो जाएगा। हाँ अगर आप थोड़ी मोहलत दे दो उसको तो और सवाल, या अगर थोड़ा ज्यादा दे दिया आपको बता देते वो भी सवाल है, क्योंकि उस पर फिर वो रिपोर्टें बांधनी होगा, क्योंकि वो मामला बिल्कुल ही बदल गया, बात समझ आए आपके, जब आपको ये बात समझ में आ गई तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो मामला हुआ एक तरफ से हिंता अली किया गया 10 किलो और दूसरी तरफ से 10 किलो हिंता बाद में लिया जा रहा है, तो इसे जिंस पाई जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं शाही, एक तरफ से हिंता दिया जा रहा है और एक तरफ से शाही दी जा रही है, ठीक है ना, तो उस सूरत के अंदर जिंस पाई जा रही है लेकिन नहीं सॉरी जिंस नहीं पाई जा रही, लेकिन तफादुल पाया जा रहा है, क्या है कदर पाई जा रही है, ठीक है ना, या एक सूरत वो मैंने आपको बताई थी जिसके अंदर कदर ना हो लेकिन जिंस एक, मिसाल के तौर पे अंडे हैं, ये रोटियां हैं, ये आदती अशिया, ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जिंस है लेकिन कदर नहीं, तो भी अगर आप बै का मामला कर रहे हैं तो फिर ये जलतन करेंगे तो सही होगा, बार्टर की सेल, ठीक है ना, तो उस सूरत के अंदर ये सही नहीं होगा, तो जिंस तो एक है लेकिन उस सूरत के अंदर आपको डेफर्ड नहीं कर सकते, इसको आप उसको मुअज्जल नहीं कर सकते, नसीहा नहीं हो सकती, मुअज्जल हो तो ठीक है, अब ये जो कह रहे हैं नसीहा नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है, नसीहा नहीं कर सकते
तो इसका मतलब यह है कि एक साइड पर कब्जा अभी हो रहा है, दूसरी साइड जो है वो मुअज्जल है, ठीक है ना। इसको कहेंगे बै नसिया, ये बै मुअज्जल। लेकिन अगर बिल्कुल दोनों साइड डेफर्ड है, दोनों साइड क्या है, डेफर्ड है, दोनों साइड मुअज्जल है, तो उसको कहते हैं बैउल काली बिल काली, बैउद दैन बिल दैन, बैउन नसा बिल नसा। वो तो बिल्कुल ही जायज नहीं है, वो तो हदीस की रूह से ना रसूल अल्लाह बैउल काली बिल काली। तो अब इससे एक बात पता चली, वो ये कि अगर सरफी चीजें ना हो, गैर सरफी चीजें हैं, तो उस सूरत के अंदर तकाउस फिल मजलिस की जरूरत तो नहीं, ठीक है। लेकिन उस सूरत के अंदर कब्ज़ु अहदिल बदलैन जरूरी होगा, कब्ज़ु अहदिल बदलैन जरूरी होगा अगर उसके अंदर कोई भी सूरत पाई जाए, चाहे हम जिन्स हो या बिदून जिन्स हो, दोनों सूरतों के अंदर कब्ज़ु अहदिल बदलैन जरूरी होगा। जैसे मैंने हिंता के हिंता के साथ मिसाल दिया आपको, या हिंता की शाही के साथ मिसाल दिया आपको, ठीक है ना। जरूर अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जनाब यारी, अब ये समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ एक चीज है खाम शक्ल में, जैसे लोहा, लोहा है ना, खाम लोहा है, लोहे के पट्टे हैं। अब दूसरा एक लोहे से बनी हुआ इंजन है, लोहे से बना हुआ इंजन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, कदर मार्जिन पाया जा रहा है या कदर मार्जिन नहीं पाया जा रहा। हम इसको कहेंगे नहीं पाया जा रहा, क्योंकि वो जो इंजन है वो आदत ही बन चुका है। अब उसकी जो है वो इसका एतबार नहीं किया जाता कि उसकी असल वैल्यू उसके उसको उसके लोहे के हिसाब से लगाई जाए, बल्कि उसकी तरकीब के हिसाब से लगाई जाती है, कैसे बनाया गया है। अब आप कंप्यूटर खरीदे, लैपटॉप खरीदे, लैपटॉप को कोई देखता है कि इधर कितना लोहा पड़ा हुआ है, कितना जो है सिल्वर पड़ा हुआ है, और दूसरे साल सिल्वर वगैरह लैपटॉप खरीदे, है ना। तो उसकी असल तरकीब की बात होती है, लेकिन बारों बार बात ऐसी होती है इसमें तरकीब अहम नहीं होती। ये सोना चांदी, सोना चांदी के अंदर जब आप सही फरोख्त करने जाता है ना, वो आपको कहते हैं चाहे कितने खूबसूरत बना हो, मैं तो तुम्हें इसके अंदर सोने की कीमत दूंगा तुम्हें, ऐसा होता नहीं होता। तो जिस चीज के अंदर तरकीब की अहमियत होती है, उसकी तरकीब उसके अंदर एक बड़ी तब्दीली आती है, तो उसका उसकी कदर से उठा के उसको आदत ही बना देती है, तो फिर उस सूरत के अंदर उस पर वो रिबा वाले अहकाम जारी नहीं। तो लेकिन ये जो मैंने बताया कि करेंसी जो है ना, मेटल कॉइंस जो धातु सिक्के हैं, यहाँ पर क्या हो गए, आदजी हो गए, ये सारे क्या हो गए अहनाफ के नजदीक, क्योंकि ये सोना चांदी तो है नहीं, ज्यादा धातु हो गए। लेकिन एक चीज पाई जा रही थी, वो क्या थी, जिन्स। क्या पाई जा रही थी, जिन्स। अब जब एक इल्लत पाई जाती तो क्या होता है, इसीलिए कह दिया कि अहदुल बदलैन का कब्जा जरूरी है। इसीलिए क्या कह दिया गया, अगर आप सोच रहे यार ये क्या बात, ये इमाम हुसैन कह रहा है ये तू कहा, तो भाई फ्रूस के अंदर जो है अहदुल बदलैन का कब्जा जरूरी है, इसलिए कहा कि ये अब आदत ही बन चुके हैं, और आदत ही की जब बार्टर हो रहा हो, उनका बाहम तबादला हो रहा हो, तो सूरत के अंदर अगर वो डिफरेंट जिन्स अलग हो तो सूरत फाजुल तो जाहिर होता है, लेकिन अहदुल बदलैन पर चाहे वो हम जिन्स हो या गैर जिन्स हो, तो अहदुल बदलैन को बहुत अक्सर जरूरी होता है, वरना वो क्या बन जाता है, बयाउल काली बिल काली, बयाउल दैन बिल दैन बन जाता है। बात समझ आ गई आपके, ये है वजूहत जो कि हमारे दिमाग में हर वक्त उसूल महफूज होने चाहिए। जब तक आपको ये उसूल और ये तस्दीकात याद नहीं रहेंगी ना, आप कहेंगे उसकी क्या वजह कि भाई ये क्या वजह कि भाई आप इमाम हुसैन को बुला रहे हैं, फुरूस के अंदर जो है जायज़ कर दिया और उसको नाजायज़ कर दिया। बात समझ आ गई,
तो हजरत भाई साहब अंदोलों का पूरी फरमाना है कि भाई जो फलूस है ना, इनकी अपनी कोई हकीकी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसको आजकल के जमाने में जिसके इसराइल लग रहे वो कहते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू, क्या कहते इसको, इंट्रेंसिक वैल्यू ऐसी नहीं है कि जिसको आप उठा के ले जाओ तो वो उतनी कीमत आपको दे दे। मिसाल के तौर पर कोई 5,000 का नोट हो, अगर वो मुसीदा हो जाए, फट जाए, पुराना हो जाए, तो उसको ले जाके आप जो है वो बाजार में देंगे, यार मेरे नोट है 5,000 का, लेकिन ये क्या कहते हैं फट भी गया, पुराना भी हो गया, अब वो क्या कहते हैं आप जो मुझे मैसेज करो फिर 5,000 मैसेज करो हारे के चाहे कटा पटा, लेकिन बैर आप सब छोड़ोगे तो कागज तो मिल जाएगा ना भाई। सोने चांदी का टुकड़ा हो और 2-3 टुकड़े जमा कर ले जाए, कहते हैं तो वो जो है वो मिलेगा क्योंकि वहां टूटा के एतबार नहीं होता है ना। तो ये बड़ी अहम पॉइंट होते हैं जो कि आप लोगों को जहन में याद रखना चाहिए। तो यही कह रहे हैं अब आगे एक और बात नहीं बढ़ता है, कह रही है कब्ज़ बहुसूल ही हकीकतन व हुक्मन व तख्तलिफ कैफियत कब्ज़ अशिया बहस्ब हालिहा व इख्तिलाफ अलआरा फी मा यकून कब्ज़ अशिया। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, देखिए जो हम बात तो आपको बार बार कह रहे हैं ना, तकाबुस पाया जाए कह रहे हैं कि तकाबुस की दो सूरतें, कब्जे हकीकी और कब्जे हुक्मी, कब्जे हकीकी पाया जाए, कब्जे हुक्मी पाया जाए, ठीक है। तो ये तहकीक और कब्जे बेहसूली हकीकत है ना हुक्मन। अब कह रहे हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर हुक्मी है या हकीकी है, ये कैसे पता चलता है, कह रहे हैं बतख तरीफ कई फीय तो कब्जे लशिया बेहस बिहारिया जो हुक्म है, मैंने आपको उर्दू की बताई थी बात, कि कब्जे के अंदर जो बुनियादी वजह है ना वो क्या है, जमान है, रिस्क है उसका, उसका आपका खसारे का तहम्मुल है। तो कह रहे हैं कि असल में तो ये है, अब वो किस तरह होगा ये उर्फ के लिहाज से बदलता रहता है, उर्फ के लिहाज से और हालत के लिहाज से। कोई छोटी मोटी चीजें मोबाइल है, मोबाइल का कब्जा तो बिल गुनावल यानी बिलाएगी हो जाएगा है ना। और लेकिन अगर मिसाल के तौर पर कोई बड़ी चीज है, हवाई जहाज खरीदने जा रहे हैं है? तो ये थोड़ी है कि हवाई जहाज को पहले आप कोई प्लांट या मशीनरी किसी जगह पे फिक्स है, पहले से लगी हुई है, अपने यहाँ में आपको गई थी और वहीं भी लगी हुई है, उसको निकाले निकाल कर दोबारा फिक्स करें है? तो ऐसे नहीं होगा, बल्कि वो लोग औरफन ये समझेंगे, मतलब कि नहीं हो जाता औरफन नासी तेरस से शार, औरफन नासी तेरस से शार, मार आवल मुस्लिमों ना हसन तो वो अंदर लाई हसन। तो ये औरफ की बढ़िया है, बहुत सी मतलब आपको पता होगा कि बै फासिद होगी किसी शर्त फासिद की वजह, लेकिन वो शर्त इतनी मुतारफ हो जाती है कि वो बै की शर्त शर्त सही बदल जाती है और फिर वो बै सही हो जाती है। पता नहीं होता ऐसा, या तो बड़ा नहीं बड़ा या तो दूसरा प्रॉब्लम, यही इसके अंदर। अब कह रहे हैं क्या हकीकी कब्जा कैसे होता है, ये ताल्लुक अल कब्ज अल हकीकी बिल मुनावलती बिल आईन, तो वाकई बात है ऐसे ही होता है कि एक आदमी ने हाथ से पकड़ाया और दूसरे आदमी ने हाथ से लिया, बिल मुनावल की बजाई
हाथों के लेन देन से आप ही होती है, आपने इनसे किया और वापस ले। लेकिन कह रहे हैं ये ताल्लुक القبض الحكم اعتبارا وحكما بالتقليد من التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا ومن صور القبض الحكمي المعتبر شرعا وعرفا ما ياتي। कह रहे हैं कि जनाब قبض حكمي जो है एतवारी तौर पर या हुक्मी तौर पर किस तरह से मुनक़िद हो जाएगा, जब आप बालका तखलिया कर लें, इस तरह तखलिया कर लें, तखलिया मतलब तो छोड़ दें आप जो है आपको भाई आप ये अब ऐसी जगह है रोड है और वहां पर उसने खरीदारी की है, उसने मैंने आपको भेज दिया उस पैसे वसूल कर लिए और उसको रोड में छोड़कर मांग चला गया और चलाते हैं उसको तसरुफ करने का अख्तियार दिया तो उसको दिया जा रहा। अब ये नहीं कि उसको जब तक उंगली न लगाई उस तक जो है वो नहीं दे सकता है, तसल्लुक का अख्तियार दे दिया तो वही कब्जा हुक्मी तौर पर समझा जाएगा। बात समझे आपके तो कह रहे हैं कि माप तमक्कुन में तमकीन में तसल्लुक वलो लम यूजद अल-क़ब्ज़ हिस्सन, हाल अगर जो उसका हिस्सी तौर पर उसको हाथ बात ना लगाया ना कब्जे तौर पर हिस्सा किया कब्जा किया हो। अब आगे मजीद सूरतें बता रहे हैं कब्जे हुक्मी की और भी क्या क्या सूरतें हैं, कह रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी सूरतें हैं कब्जे हुक्मी और वो भी आती भी रहती है, ये भी नहीं ये खाली ये इसमें मुनकिल हो गई, बल्कि जैसे जैसे और आता रहेगा बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुझे पता भी नहीं कि कौन सी चीजें मुस्तकबिल में, पहले जमाने में शेर थोड़ी होते थे, पहले जमाने में जो है वो बहुत सी चीजें नहीं होती, लेकिन जो है वो अब आई तो उसके बारे में फुकाए किराम ने साबिक उसूल देखे तो भाई किस बुनियाद पर क्या हुक्म आएगा उसकी इजाजत फैसले कर लिया। मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पहले जमाने में नहीं थी, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उसको तसल्लुक पाया जा रहा है या उसको जबान पाया जा रहा है तो कब्ज़ पाया गया। तो कह रहे हैं कि वमिन सुवर कब्ज़ हुक्मी अल-मुअतबर शरअन वउर्फन मा याती, कह रहे हैं कि उन सूरतों में से मिन सुवर मिन के मतलब बास जमी नहीं कहा इन्होंने ये मिन तरईदिया है, कह रहे हैं कि सुवर कब्ज़ हुक्म कह रहे हैं बास कब्ज़ हुक्म की सूरतों में से जो कि मुअतबर हैं शरअन वउर्फन वो क्या है, मायाती मतलब क्या है जो आगे जिक्र की जा रही है एज फॉलोस। मायाती अंग्रेजी में सीख तर्जुमा क्या हुआ, एज फॉलोस, ठीक है ना। तो अब आगे ये आए तो अभी इंशाल्लाह आगे चल पड़े।